अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये सारिम की फैमिली है। सारिम के अम्मी अब्बू और आप भी। सारिम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है और सारिम रोज स्कूल जाता है और उसे स्कूल में भी बहुत मजा आता है। अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता है। एक दिन सारिम स्कूल से वापस आया और अपने दोस्तों को अल्लाह हाफिज कह रहा था तो उसे एक खरगोश नजर आया और उसे वो खरगोश बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सारिम उस खरगोश को देखते देखते घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर से बाहर निकला तो क्या देखता है कि खरगोश अभी तक वहीं पे बैठा है। सारिम को बहुत अच्छा लगा खरगोश। सारिम ने सोचा मैं इसे पकड़ लेता हूँ। तो उसे जैसे ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो खरगोश आगे आगे भागने लगा तो सारिम भी उसके पीछे जाने लगा और वो भागते भागते खरगोश जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाकर गुम हो गया। सारिम ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो सारिम को बिल्कुल भी नहीं मिला। सारिम चलते चलते बहुत दूर निकल गया। फिर उसे अंदाजा हुआ कि मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? अम्मी अब्बू तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे और अभी भी। सारिम जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बहुत प्यारा सा भालू नजर आया। तो भालू के बच्चे को बहुत खुशी से देख रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था तो वो बिल्कुल भूलता जा रहा था कि वो गुम हो चुका है। जंगल में मुख्तलिफ जानवरों को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक हाथी को भी मस्तियां करते हुए देखा। हाथी बार बार पानी फेंक रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। तो सारिम को देखकर बहुत अच्छा लगा। सारिम ने जंगल में एक बहुत मस्त बंदर भी देखा जो बंदर कुछ बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था। सारिम थोड़ा ही आगे गया तो उसे एक लोमड़ी नजर आई। सारिम ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो और बहुत ज्यादा समझदार जानवर हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है? तो लोमड़ी ने उसे कहा, जंगल में तो कोई इंसान नहीं रहता लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शिकारी आए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे जानवरों को कैद कर रखा है। तुम उनके पास जाओ और जाकर उनसे तुम पूछो तो वो तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बता देंगे। तो सारिम ने लोमड़ी की बात सुनते हुए उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस तरफ लोमड़ी ने इशारा किया था। वहां जाकर वो क्या देखता है कि एक बंदर पिंजरे में बंद है और एक गोरिल्ला भी पिंजरे में बंद है। तो वो समझ गया कि खुद तो बंद हो नहीं सकते तो इन्हें किसी शिकारी ने बंद किया है। तो वो शिकारी के पास पहुंच गया और शिकारी से कहा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो शिकारी ने इसकी मदद की और इसे इसके घर तक छोड़ दिया। सारिम घर पहुँच कर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने शिकारी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और दोबारा ऐसी हरकत ना करने का अहद किया कि मैं दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, मैं किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागूंगा और अपनी जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे मामा पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।